हमारे इटावा में एक आदमी वुजू बना रहा था, मैं मस्जिद में वुजू बना रहा था, तो एक रोजे की हालत में, तो एक नौजवान था, कुल्ला करते के बाद वुजू बनाने के बाद हमसे कहने लगा, मौलाना एक मसला बताओ। मैंने कहा जी बोलिए। ये वुजू करते हैं जो कुल्ला करते हैं ना, कुल्ला किया तो ये पानी थोड़ा सा चिपक जाता है जबान में। भाई कुल्ला करेंगे ऐसे तो करेंगे तो अब पानी तो जबान में थोड़ा सा लग ही जाएगा ना, ऐसे तो कोई नहीं करता है, पानी को थूक रहा हो तो पानी जबान में लग जाता है। अगर वो पानी किसी तरीके से हलक के अंदर पहुंच जाए, पानी का कतरा, वुजू बनाते वक्त जो पानी जबान पे रह जाता है वो कतरा बन के अगर हलक के नीचे चला जाए तो क्या उससे रोजे पर कोई फर्क पड़ेगा? मैंने कहा तुमने मसला बहुत अच्छा पूछा, मैं कल जुमे के खुतबे में इस मसले को बताऊंगा ताकि सबको मालूम हो। कहने लगा अभी मुझे बता दीजिए। मैंने कहा यार तुम्हें बताऊंगा तुम्हें अकेले मालूम होगा, तुमने बहुत अच्छा मसला पूछा, कल जुमे का खुतबा है, मैं शाही जामा मस्जिद में खुतबा दूंगा तो तुम्हें बता दूंगा। कहने लगा ठीक है। अगली सब में बैठा था वो आदमी, मैंने पूरे दिन भर उसका बायोडाटा तलाश किया कि बड़ा मुत्तकी आदमी है, बड़ा परहेजगार आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, इतनी इतनी सी बात पूछ रहा है तो इसका बायोडाटा देखें कि कौन है क्या है। तो उसका बायोडाटा मिला तो बहुत कुछ मिला। तो मैंने जुमे के खुतबे में ये बात कही कि आज, उसका नाम नहीं लिया, मैंने कहा लोग आज हमसे ये मसला पूछते हैं कि वुजू बनाते वक्त अगर वुजू का बचा हुआ पानी जबान पे रह जाए और हलक के जरिए उसका कोई कतरा पेट में चला जाए तो रोजे पे कोई फर्क पड़ता है? पानी के एक कतरे को हलक के जरिए पहुंच जाने पर उनको लगता है कि रोजे पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं? ये मसला वो पूछते हैं जो अपनी बहनों का हक मारे बैठे हैं, अपनी बेटियों का हक मारे बैठे हैं जमीनों जायदाद में, जब उनकी जिंदगियों पर ना अपनी बहन और बेटियों का हक मारने से उनकी जिंदगियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे लोग ये मसला पूछते हैं कि पानी का एक कतरा अगर हलक के नीचे उतर जाए तो रोजे पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कैसे मुत्तकी और परहेजगारी दिखाई दे रही है इस मसले के अंदर। लेकिन नतीजा क्या है, जब अंदर से उनकी जिंदगी देखी तो पता चला कि बाप के मरने के बाद वो बहनों को, यानी बाप की विरासत में से वो अपनी बहनों को हक नहीं दे रहा है और अपनी विरासत में अपनी बेटियों को हक नहीं दे रहा है। जो अपनी बेटियों का और अपनी बहनों का हक मारे बैठा है वो आदमी आज ही सवाल करता है कि पानी का कतरा अगर हलक के नीचे चला जाए तो रोजे पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? तसव्वुर करें आप अपनी बहन को 1 लाख नहीं 1 करोड़ का जहेज दे दो, लेकिन बाप के मरने के बाद बाप की विरासत में भी बहन हिस्सेदार रहेगी और बाप की विरासत में तुम्हें जो हिस्सा मिलेगा तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी विरासत में से भी बहन हिस्सेदार रहेगी, यानी बाप की विरासत में से भी हिस्सा मिलेगा और भाई की विरासत से में भी बहन को हिस्सा मिलेगा, और जब बहन की शादी होगी तो शौहर की विरासत से में भी बीवी को हिस्सा मिलेगा, और बेटा अगर मर गया तो बेटे की विरासत में भी उसकी माँ का हिस्सा बनेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने, शरीयत ने एक औरत को चारों तरफ से